नंदी है, ठीक है, शिव पार्वती नंदी है। ये भी देखिए सर, सिस्टर, ये शिव पार्वती उनका कल बोल नंदी है, ओके। एंड दैट शिवा, वो शिवा पार्वती कार्तिक है, इस मदर 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 फादर प्रे, ये भी कल पीकॉक, लेट मी पीकॉक, एंड विष्णु एंड शिव वाइफ लक्ष्मी इज एंड लोटस, ओके। अब आ जाइए मेरे साथ, ओके, थोड़ा यहाँ। अब यहाँ देखिए सिस्टर, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलता है ना, वायुदेव, पवन देव, उनका विकल्प डियर होता है। देखिए वायुदेव उनके वाइफ के साथ है सिस्टर, उनका विकल्प डियर होता है। देखिए पैर के पास डियर हिरन है। आज भी अपने घर में विंडो होता है सर, हवा उजास के लिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में बना सकता है वायुदेव पवन देव। ये स्टैचू सब इरोजन हुआ है, सामने भी देखिए, आराम से वो सामने भी देखिए, सब स्टैचू इरोजन वेदरिंग हुआ है। वो शेर शाही विष्णु था, देखा अनंत पद्मनाभ, वो इरोजन हुआ है, वो देखा ना वो विंडो के अंदर, देखा ऊपर का सिस्टर। आप देखिए थोड़ा उस तरफ आ जाइए, ये कोने में देखिए सिस्टर, साउथ ईस्ट में अग्नि देवता होता है, फायर गॉड, उनको दाढ़ी होता है, मूछ होता है, उनका विकल्प भेड़ होता है। देखिए पैर के पास स्मॉल शिप एनिमल बताया गया है। आज भी अपने घर में किचन होता है ना सिस्टर, साउथ ईस्ट कॉर्नर में बना सकता है, अग्नि देवता है। सामने किए वो हनुमान जी है सर, आराम से सामने के वो हनुमान जी है। पनौती टू टाइप ऑफ बैड लक, टू हाफ एंड सेवन हाफ, तो हनुमान जी ने दोनों बैड लक को अपने पैरों तले दबा दिया है। अगर हमारा बैड लक चलता है खराब समय, तो हम हनुमान जी को याद करेगा, पूजा पाठ करेगा, हमारा बैड लक दूर होगा। उनके पीठ भी देखिए टेल पूंछ बताया गया है। अब ये सब स्टैचू इरोजन हुआ है वेदरिंग। चलिए वाह वरना नाम का टाइम है देखिए सिस्टर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर बोलता है ना, ईशान्य कॉर्नर, शिवा शिवा का स्थान होता है, नियर बूल है नंदी। देखिए सिस्टर, आज भी अपने घर में मेन एंट्री गेट ऑफिस और पूजा का आला बोलता है सिस्टर, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में बना सकता है, उनका कल बूल नंदी होता है। देखिए पैर के पास बूल नंदी है, यहाँ आ जाइए मेरे साथ। यहाँ देखिए सिस्टर, ये जो टोटल पिलर है, सभी पिलरों का प्लान है, ब्लू प्रिंट उस जमाने का पिलर्स फॉर्मूला। देखिए सिस्टर यहाँ देखा ब्लू प्रिंट पिलर्स प्लान जी, पैर थोड़ा ये ब्लू प्रिंट है। और ये सिस्टर, ये स्टोन स्टोन लॉकिंग बोलते हैं, मेल फीमेल सिस्टम, सीमेंट चुना इतने किया गया है, समझ में आया, ये स्टोन स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। वो स्वर्ग में सोता है विष्णु देखा, स्वर्ग भूमि पाताल तीन लोक में, तीन अवड़े आनंद शयन ഉണ്ട് കണ്ടോ, आनंद शयन ഉണ്ട് അവിടെ, അത് മറ്റേ ഇത് ലെൻസ് കളെ കിട്ടുള്ളൂ അവിടെ നോക്ക് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടു ആനന്ദ സാനുണ്ട് बाजरे के वो अप्सरा है, उसके बाद अंदर की साइड विजय स्टैचू, पार्वती माता उनके हाथ में कम बंधन है, उसके बाद देखिए वो मातृत्व में इसके गोदी में बच्चा है, उसके बाद अंदर की साइड बड़ी चाची चामुंडेश्वरी उनके हाथ में त्रिशूल है, लास्ट में देखिए वो अप्सरा आने की फ्री है, और बीच में लक्ष्मी जी उनके आस पास अप्सराए हैं। स्मॉल फॉल स्टैचू बैठा है सर, ये ज़्यादातर सब लक्ष्मी जी का, उनके हाथ में कमल है। बाद में के ऊपर दो विष्णु हैं, जैसे सेम देखिए जी देखिए कॉर्नर में दो विष्णु हैं, गदासन चक्र पद में देखा सिस्टर। अब देखिए वो स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल आकार दिख रहा है, उस तरह भी देखिए स्क्वायर में ज्योमेट्रिकल आकार है। आप पाटन का पटोला साड़ी देखा है सिस्टर, सब प्रिंट मिलेगा, साड़ी का डिजाइन यहाँ से लिया गया है। उसके बोले कि वो सेम है, नजर बट्टू बोलते अपने घर के आगे लगा था वो, बाद में हाथी पे सवारी एक दो तीन चार बैठी हुई लक्ष्मी जी है। नीचे देखे हाथी पेड़ को उखाड़ा है, इंसान को मारा है, उस जमाने में कोई क्रिमिनल गुनाह करता था तो उसको हाथी के पैर के नीचे कुचल के पनिशमेंट दिया जाता था। अब इस तरफ देखिए सब थोड़ा ऊपर है, आप देखिए वो कोने में है, दो इंद्र है थोड़ा ऊपर, एक कोने में दो इंद्र है, उनके हाथ में बच्चे हैं, नीचे हाथी बोलते हैं उपाय इंद्र, दोनों इंद्र बताया गया है, समझ में ये का तो समझ आती है ना, हम बोलते हैं उपाय इंद्र। तो पटोला साड़ी का डिजाइन है, तो कीर्ति मुख है, एक होती लक्ष्मी जी हाथी पे घोड़े पे हाथी पे सवारी है, सामने के एक दो तीन चार अप्सरा है, एक कोने में दो सिंह है, उनके हाथ में त्रिशूल नाग का मंडल है, ये सब अप्सरा है, कोई आईने में तो बांसुरी बजा रही है, और इसमें पार्वती माता उनके हाथ में कम मंडल है, उसके आसपास अप्सरा है। ये स्मॉल स्मॉल स्टैचू बैठा है सिस्टर, ज़्यादातर लक्ष्मी जी का है, वो भगवान शिव है देखा, येलो स्टैचू उसमें हाथ में नाग है देखा, येलो स्टैचू। और इस तरह ये दोनों इंद्र है, मैंने बोला ना सिस्टर,
ये राम अवतार है, धनुष से बाण चलो ढाल बताया गया रामा अवतार, ये राम सुमन सुमन दशा अवतार है, ये अंगड़ाई लेती अप्सरा ज्वेलरी कितने पाए साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, साधुओं का जीवन लोगों का भला करने के लिए कामना के लिए नहीं। ये वामन अवतार है बटु, हाथ में छाता यक्ष माला है, बलि को तीसरे पैर में पाताल में बेचता है वो, ये कीर्ति के नजरिया बोलते हैं नजर बट्टू ये समझे, और ये कुबेर है, उनका पेट थोड़ा बड़ा होता है, देखा हम बोलते हैं जिसका पेट बड़ा हो कुबेर। बाद में के सब लक्ष्मी जी है, बाद में के ये अंगड़ाई लेती अप्सरा जीवे कितनी फाइन है, साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, मैंने समझा। बाद में के वामन अवतार है, वामन बट्टू घाट में छाता यक्ष माला है, बलि को तीसरे पैर में पाताल में बेचता है इनको। बाद में के विष कन्या है, उसके पैरों में सांप बताया गया है, यहाँ तीन बाद में के अप्सरा बताए ज्वेलरी कितने फाइन है, देखिए वो वरा अवतार है, फेस टिक्का है, धरती माता हाथ पे बैठी है, देखा सिस्टर वो हाँ भूमि देवी, हिरण्याक्ष रास को मार के समुद्र से धरती माता को बाहर नहीं निकालते वो भूमि देवी। बाद में के पाताल लोक का दृश्य है, ये टर्टल्स है सिस्टर, ये टर्टल्स के नीचे नाग कन्या है, उसके मस्जिद में नाग है, नाग देवता उनके मस्जिद के पीछे नाग है। बाद में के विष कन्या है, उसके पैर में देखिए पीकॉक है, पीकॉक जैसी ब्यूटीफुल सुंदर होती है, इसके हाथ के पास सांप है, सांप जैसी जहरीली विषीली होती है। ऊपर देखिए थ्री आउल है, आउल होता है नाइट को देखता है, नाइट को शिकार करता है, तो विष कन्या भी नाइट को शत्रु राजा को ऐसे मारती है कि शत्रु राजा को भी पता नहीं चलता उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसका उल्लेख चारक के नीति में किया गया है। बाद में कि वो विश्वामित्र का तपोबंध करके दाढ़ी खींचती हुई मेनका अप्सरा है, वो बहुत सारे हाथ है ना काल भैरव है सर, उनका विकल डॉग होता है, पैर के पास डॉग है, उज्जैन में काल भैरव का टेम्पल है, ओके वहाँ उनको दारू चढ़ता है, उज्जैन है सेंटर में जो है ना, हाँ बहुत सारे आते हैं सर वो। बाद में क्यों अप्सरा है, कोने में विष्णु है, वो साधु महात्मा है, बीच में विष्णु है, वो विष कन्या, उसके हाथ में सांप है, साधु महात्मा योगी योग कर रहा है, बीच में विष्णु है, गदा चक्र पद में है, वो अप्सरा बांसुरी बजा रही है। लेफ्ट साइड में कौन है, वो कोने में सन गॉड है, वो कोने में है, हाँ वो सन गॉड है, उनके आगे तो कमल का वो साधु योगी योग कर रहे हैं, देखा योगी अच्छा, बीच में विष्णु है, वो अप्सरा बांसुरी बजा रही है। अगर आपका मूड नहीं अच्छा संगीत सुनता है ना तो आपका मूड चेंज होता है, क्योंकि संगीत में इतना पावर है, और बांसुरी बजाने में इतनी मग्न है कि उसका अंगूठा पैर ऊंचा हो गया, तन्मय हो गई, एक मग्न हो गई है। बाद में की अप्सरा एयरिंग बता रही है, ये अप्सरा आईने लेके एयरिंग कर रही है, वो महिषासुर मर्दिनी दुर्गा माता लायन जैसे को मार रहा है, माता जी ने राक्षस को त्रिशूल मार उसकी चोटी पकड़ा है, ये अप्सरा इतनी ब्यूटीफुल सुंदर बताया कि मंकी दीवाना होके कपड़ा खींच रहा है, बोलता है मन मरकट होता है, चंचल होता है। ये कल्कि अवतार है भगवान विष्णु, ऐसा दसवां कल्कि अवतार धारण करेगा, घोड़े के पैरों के नीचे दुष्टों को मार रहा है, देखिए पैरों में सिस्टर हॉल बूट गम बूट बताया, देखा हॉल बूट है, भी है। हाँ तो ये हॉल बूट है गम बूट बोलते हैं, हाथ में तलवार है, दास ने छाता पकड़ा, दासी के कटोरे में अमृत डाल रहा है, ऐसा कल्कि अवतार भविष्य में होगा। बाद में के लिपस्टिक लगाती लेडीज है, पैरों में मेहंदी लगा रहा है, और उस जमाने में नेचुरली फूलों का लिपस्टिक था। बाद में के भगवान बुद्ध है, उनके हाथ में कमल है, अक्ष माला वर्कल है, भगवान बुद्ध बताया गया है। ये अंगड़ाई लेती अप्सरा ज्वेलरी कितने फाइन है, साधु महात्मा कामना का निषेध करता है, साधु का जीवन लोगों का भला करने के लिए कामना के लिए नहीं। ये परशुराम है, धनुष मान पशु और फल बताया गया, भगवान परशुराम, समझ में आए। अब देखिए भैरवी, उसके हाथ में स्थल खोपड़ी है सिस्टर, उनके हाथों में उसके पैरों में स्लीपर बताया गया, हील वाला चप्पल, देखिए उस जमाने में हील वाला चप्पल था, तो यहाँ दो विशेषता है, हील वाला चप्पल और हॉल बूट गम बूट, समझ में। हाँ बाद में देखिए ये बलराम है, उनके बस हाँ ये बलराम है, चिर्प चिर्प। अब देखिए सिस्टर बाद में फोटो ले, सिस्टर देखिए बलराम है, उनके मस्तिष्क के पीछे शेष नाग है, आत्मिक कमल है, दंड है, ये बीज पूरक है, सीड बॉक्स देखा सिस्टर, ये छोटा बलराम उनके हाथ में, छोटा कृष्णा उनके हाथ में, बटर माखन बताया गया है। ये शिखर का डिजाइन वो नागर स्टाइल में, नागर शैली बोलता है ना ये, देखिए हाँ। अब देखिए ये कीर्ति मुख है, नजर बट्टू बोलते हैं, ये सब नीचे का लक्ष्मी जी है, मैंने समझा है ना आपको, उस तरफ उधर जो है नजरिया ना साउथ में ज्यादा यूज होता है सर, वो फेस नहीं लगाता घर के सामने लगाता है जो नजर ना लगे, मॉन्स्टर का फेस लगा दिया इतना सुंदर के साथ से, तो वो तो मॉन्स्टर है ही बाकी सब तो इतना सुंदर है तो वो तो मॉन्स्टर है ना
नहीं वो आज के आधुनिक का है लेकिन पुराने में ऐसा होता है, पुराने जमाने में। आज तो क्या है आधुनिक जमाने में इंसान का फील कैसा करेगा। अब देखिए 2001 में भूकंप आए भुज में, यहाँ पर भी भूकंप आया, क्रैक हुआ है, तो ये सही ग्लास लगाया है। अगर ज़्यादा दबाव है तो ग्लास टूट के गिरेगा, अगर ग्लास गिरता है तो खतरा बढ़ सकता है, इंडिकेटर है। ये सही जानकारी के लिए लगाया है। ये लोटस कमल का डिज़ाइन है, ये किचक है, महाभारत में भीम किचक वध करता है ना, ऊपर का वेट उसके बैक पीठ पे होता है किचक। मनु पे पिलो ऊपर चढ़ के, आप देखिए ये किचक है, महाभारत में भीम किचक वध करता है ना वो। ये कलश है सिस्टर, ये जो टोटली पिलर है सभी पिलरों में ऐसा शुभ और पवित्र कलश बताया गया है। अब यहाँ आइए, वो पाताल में सोता है विष्णु, देखा विंडो के अंदर, तो स्वर्ग नीचे में वो पाताल तीन लोक में सोता है विष्णु है। आप देखिए ये अब आपको मेन क्वेश्चन होगा कि रानी ने भाव इतना स्टेप के साथ गहरा क्यों बनाया, इसके पानी का क्या महत्व है। तो पहले के जमाने में लेडीज पानी लेने के लिए कहाँ जाती थी, वेल कुएं पे, कुएं पे जाएगी क्या करेगी, रस्सी से बर्तन बांधेगी, कुएं में फेंकेगी, रस्सी से खींचेगी, मटके भरेगी और घर ले जाएगी। तो रानी ने सोचा जो भी लोग यहाँ पानी पीने के लिए आए, लेडीजे मटका भर के ले जाने के लिए आए या विष्णु भक्त जल चढ़ा के प्रे करने के लिए आए, तो पीछे कुआ है, कुंड है, कुंड है ना स्टेप वाला है। पहले कुएं में क्या था, जरा था स्प्रिंग वाटर, तो स्प्रिंग वाटर ओ फ्लो के नीचे से आगे कुंड में आता था, बारिश का पानी कुएं कुंड दोनों में जमा होता था। अब जिसको पानी पीना है, बनना है, भगवान विष्णु को जल चढ़ा के प्रे करना है, वो लोग क्या करेगा, स्टेप उतर के कुंड में जाके पैसे लोग दोनों हाथ से पानी पी सकता है, लेडीजे मटका भर के ले जा सकता है और विष्णु भक्त भी विष्णु को जल चढ़ा के प्रे कर सकता है। उनको अंदर रस्सी बर्तन का जरूरत रहेगा नहीं, इसलिए रानी ने भाव इतना स्टेप के साथ गहरा बनाया, इतना नक्काशी वाला है, इसलिए अपने इंडिया का भारत का फर्स्ट नंबर का भाव माना गया है और इसलिए वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में गया है। लेकिन यहाँ का वाटर लेवल डाउन हो गया तो पानी निकलेगा नहीं, बारिश आएगा तो उसका पानी 1 महीना 2 महीना 3 महीना पीछे कुएं में रहेगा, फिर सूख जाएगा। अभी जो बारिश हुआ सर उसका थोड़ा पानी जमा हुआ है। बाद में देखिए वो फर्स्ट पिलर है, कलर से नीचे देखिए वो बच्चा शेर के साथ खेलता बताया है, देखा ये सामने फर्स्ट पिलर। तो दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र भरत था जो शेर के साथ खेलता बताया है, जिसे अपने देश का नाम पड़ा है सर भारत। आप देखिए ये आड़ी लाइन में लेडीजे दिख रहा है, ये भी देखिए आड़ी लाइन में लेडीजे, ये सब अप्सराएं हैं। अब सामने देखिए यहाँ पर थोड़ा आगे जी सर, सामने देखिए वो स्मॉल स्मॉल स्टैचू बैठा है, देखिए सिस्टर वो सब लक्ष्मी जी का है, उसके ऊपर की आड़ी में खड़ा विष्णु है, उसके ऊपर की आड़ी में विष्णु है। अभी सर देखिए सामने भी स्मॉल स्मॉल स्टैचू बैठा है, ये सब लक्ष्मी जी का है, उसके ऊपर की आड़ी में खड़ा विष्णु है, उसके ऊपर की आड़ी में विष्णु है। अब सबसे ऊपर देखिए वो कबूतर बैठा है, दो स्टैचू दिख रहा है सर सिस्टर सामने, वो कबूतर बैठा है मुकुट पर, ईस्ट डायरेक्शन में दो स्टैचू है, समझ में आए, दो कबूतर बैठे देखो। तो विष्णु की वाइफ लक्ष्मी के साथ, वो भी विष्णु है। अब इस तरफ कोने में देखिए सर एक बैठा है खड़ा है, देखा सिस्टर उस तरह, वो भी दो विष्णु है, गदासन चक्र पद में है, सब विष्णु का 24 स्वरूप है, कितना 24। अब सामने के सिस्टर सर ये तीन बड़ा स्टैचू दिख रहा है, ओके नीचे का तीन, थ्री पीसी से दाढ़ी है देखिए राइट साइड फर्स्ट, ये राइट साइड ओके ठीक है ठीक है ठीक है, थ्री पीसी से दाढ़ी है वो ब्रह्मा की वाइफ ब्रह्मा जी के साथ, देखा सेकंड स्टैचू शिव पार्वती नंदी है, थर्ड स्टैचू विष्णु की वाइफ लक्ष्मी के साथ, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलता है, जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर गॉड भगवान। और सामने के कबूतर बैठा उसके ऊपर तीन स्टैचू दिख रहा है, सूंड टूटा है देखा सर, गणेश वो गणेश उनका दो वाइफ होता है, रिद्धि सिद्धि दोनों से एक के संग है, बीच में महालक्ष्मी है। और थर्ड स्टैचू है कुबेर उनके वाइफ के साथ, उनका भी कल हाथी होता है, पैर नीचे हाथी है देखा सर, हाँ पैर के नीचे हाथी है, लेकिन सेंटर में वो पद्मासन में वो महालक्ष्मी है। आज भी अपने घर में जो धन का तिजोरी होता है उसका फेस नॉर्थ में रखता है, और कुबेर का पहचान होता है उसका पेट थोड़ा बड़ा होता है। आप देखिए सात मरला कैसे बनता है, फर्स्ट फ्लोर ऊपर का टूट गया देखा, तो 1 2 3 4 5 हम पांचवे खड़े हैं, नीचे 6 और इसके नीचे के साथ ये 7 स्टोरी स्टेप पे है, समझ में आया। आप देखिए थोड़ा उस तरफ आ जाइए, 1000 शिवलिंग बनाए थे जो समय के साथ दब गए, वहाँ पे क्या रुद्र कुप है, पानी पीते होने का छोटा सा कुआ है, कैनाल पास होता है, एक शिव मंदिर टूटा हुआ है, वेद बचा हुआ है, इतना आप जाके देख सकते हैं, मैंने बोला आपको। अब अपने गाड़ी पार किया, 2 मिनट आगे जाएंगे तो रेड कलर में शेडो इलेक्शन में पटोला, ये 13 सेंचुरी फ्लड है, उसमें झाड़ियाँ हो गई, सब मिट्टी में दब गया था, ऊपर तक पानी था, ये झाड़ियाँ हो गई, ये सही ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट किया था, वो आएगा फोटो, तो ऐसा ओल्ड है वो झाड़ियाँ हो गई सामने। फिर ये सही ने 1950 से खुदाई करना स्टार्ट किया सर, ये कुआ खुला सर देखा, ये मिट्टी में दब गया है, फिर बाद में देखिए ऐसे निकालता गया, देखा ऐसे निकालता गया,
ऐसे निकालता गया, देखा बाद में देखिए ऐसे निकाला 1990 से पहले ऐसे निकाल दिया। बाद में के सिस्टर सात मरला कैसे बनता है, 1 2 3 4 5 छः ऊपर का टूट गया, सेवन स्टोरी हो गया। बाद में के ये सब विष्णु ऐसा है, ये सब सोता है ना विष्णु। बाद में देखिए स्वर्ग भूमि और पाताल तीन लोक में सोता है विष्णु है। ये पिक्चर कहाँ का है? ये अंदर का है, दीवार का अंदर का। तीन विष्णु नहीं बोला मैंने सिस्टर? नहीं नहीं मतलब ये इधर का नहीं, 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 अंदर का, अंदर का, अंदर अच्छा उधर हम नहीं जा सकते, नहीं वो इसलिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अच्छा बाद में देखिए सिस्टर ये स्वर्ग भूमि और पाताल तीन लोक में सोता है विष्णु है, देखा यानी हाफ राउंड में ऐसा नकाशी है, ऊपर से लेके नीचे ऐसा बोटम है, पानी सूख जाता है ऐसा दिखता है। बाद में देखिए वो पाताल में सोता है विष्णु ने, इसके नीचे ऐसा बोटम है, पानी सूख जाता है ऐसा दिखता है। बाद में किए ये पानी सूख गया था, फिर दोबारा बारिश हुआ सर तो ऐसा पानी जमा हुआ, ऊपर रेलिंग से देख सकता था लेकिन रेलिंग हिल है तो आप चढ़ के नहीं देख सकता है, अकस्मात हो सकता है इसलिए अलाउ नहीं है। ज़्यादा बारिश होगी तो कुआं भर जाएगा और ज़्यादा बारिश होगी तो कुंड भर जाएगा सिस्टर, समझ में आए? लेकिन ये अगले साल का फोटो है मैडम, अभी का नहीं, ज़्यादा दो तीन ज़्यादा बारिश आएगा तो ही ये भरेगा, समझ में आए? ओके।